हेलो एवरीवन अभी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि आ, मुझे समझाना बहुत अच्छे से था आपको और ये वीडियो लंबी हो रही थी इसीलिए मैंने वहाँ पे फिर रोक के फिर ये मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टरिस्टिक का तो आप उसको ज़रूर देखिए तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा ठीक है मैंने वहाँ पर उसके बेसिक जो आउटलाइन है उसको मैंने लेके पूरा बताया हुआ है तो शुरू करते हैं वन बाई वन इनका जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या जो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था तो हम आज इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आपको बता देते हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एफिनिटीज़ एल्गा के साथ में डिफरेंसेस बिटवीन एल्गा और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइट्स के साथ में इसका एफिनिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है ब्रायो और टेरिडोफाइट्स में ठीक है तो ये ये पिछले स्लाइड का आपको मैंने कुछ दिखा रही हूँ जो मैंने डिस्कस किया है इस पर अब आते हैं सेकेंड ये जो सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का अब यहाँ पे आते हैं देखिए सबसे पहले मैंने उसी दिन कल बताया था कि जो आ, पहला जो पॉइंट है कि गैमिटोफाइट्स फाइट्स एंड स्पोरोफाइट फेज आर प्रजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रा, ब्रायोफाइट्स बोथ दीज फेजेज आर मोर फॉर लॉजिकली डिस्टिंक्ट ठीक है हेट्रोमॉर्फिक तो अगर इन दोनों को अगर हम देखें गैमेटो और इस्पोरोटो को तो ये दिखने में भी क्या होंगे थोड़े अलग टाइप के होंगे एक जैसे नहीं होंगे और स्पोरोफाइट का मतलब क्या था ऐसी प्लांट बॉडी जो कि हेप्लॉयड होती है और स्पोरोफाइट्स में क्या होता है जिसमें टू एन होता है ठीक है स्पो हमेशा ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट का जो स्टेज होता है वो बड़ा होता है और, और स्पोरोफाइट इस इसी पे निर्भर होते हैं गैमेटोफाइट्स पर स्पोरोफाइट की फेस थोड़ी छोटी होती है ठीक है ऐसा यूजुअली होता है ये हो गया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट गैमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्स्पीशियस होते हैं लॉन्गर लंबे टाइम तक रहते हैं ग्रीन होते हैं फ्रीली ब्रांच होते हैं और ये जो मैंने अभी जो बताया पहला और दूसरा वो मैंने एक ही में आपको बता दिया है अब आते हैं थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में प्रिमिटिव फॉर्म रिक्शिया और मालकेंशिया थे और जो ये गैमिटोफाइट थे प्रोस्टेट थे थैलॉइड थे और इस मॉसिस में क्या होते हैं ये इसका एडवांस मेंबर होता है मॉसिस तो इरेक्ट थे और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है डिफ्रेंशिएटेड और लीफ जैसे होते हैं लेटरल अपडेंजेस में आपको दिखते हैं लेकिन शुरू शुरू में ऐसा नहीं मिलता है याद रहे थैलस था, के फॉर्म में इसकी बॉडी होती है जो कि रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता है और इसके एडवांस मेंबर में आपको जैसे मॉसेज में दिख जाएगा फोर्थ पॉइंट क्या है ट्रू रूट एबसेंट होते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है राइजॉयड्स होते हैं ये जो राइजॉयड्स होते हैं एंकरेज और एग्जॉशन का, का काम करते हैं तीसरा क्या है जो राइजॉइड्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं यूनिसेलर और अनब्रांच्ड होते हैं ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रायोफाइड्स के जो राइजॉइड्स होते हैं खास तौर पर हीपैटोकॉपसीडा ही वाले जो होते हैं जो इनके मेंबर्स होते हैं ठीक है इन ये यूनिसेलर अनब्रांच्ड होते हैं लेकिन जो इनका दूसरा क्लास है कौन सा दूसरा नहीं तीसरा मतलब एंथ एंथोसिरोप्सिडा और हिपैटोकॉप्सीडा इन दोनों के क्या है ये यूनिसेलर है और क्या है अनब्रांच्ड है राइजॉय लेकिन ब्रायो सिडा जो है ब्रायोसिडा इनके क्या मल्टी सोलर ब्रांच ये एक क्वेश्चन पूछता है इसको आपको रटी लेना है ठीक है उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है कि जो मार्केशियल्स होते हैं वो मल्टी सोलर उसमें क्या होते हैं स्केल से ये भी क्वेश्चन पूछता है ठीक साथ, है और साथ ही साथ रइजॉयड्स होते हैं उसमें स्केल भी होते हैं और क्या होते हैं राइजॉयड्स भी होते हैं ठीक है थीके? और ये क्या करते हैं ये थैलस को बचाते हैं ठीक है स्केल्स और ये जो रेडल्ट होते हैं एब्जॉर्बशन में काम करते हैं ठीक है और इन इनमें क्या होता है जाइलम और फ्लोयम नहीं होता है और इनकी जो प्लांट बॉडी होते हैं वो पेरन क्लाइमेटस क्या होती हैं सेल की बनी हुई होती हैं ये सेवन्थ पॉइंट हो गया एट पॉइंट क्या होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल मैथड से ये रिप्रोड्यूस होते हैं अगर वेजिटेटिव है तो डीके हो जाएगा सड़ जाएगा और कुछ पार्ट्स जो होंगे वो पुराने वो अलग हो जाएंगे एडवेंटिशियस ब्रांचेस अलग हो जाएंगे या ट्यूबर और जेमी कप जो मैंने बताया था अभी इससे पहले वाले स्लाइड में कि एक कप होता है मार्केशिया में ये जो होते हैं लैंड पे आ जाते हैं और फिर एक नया बॉडी बना देते हैं ठीक है तो ये इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है ठीक है उसके बाद आप इसमें आ जाइए नेक्स्ट हम लोगों ने नाइन्थ तक तो डिस्कस कर लिया था टेंथ पॉइंट पे आते हैं इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है ओगेमस टाइप का होता है जो इनके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं ठीक है और ये आ, क्या होता है मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं किससे थैलोफाइट से ठीक है जो इनके वैसे मेंबर हो गए एडवांस जैसे मॉसेस के बारे में हो गई अब ब्रायोफाइट्स का जो मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है वो उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया जो कि स्टॉक ग्लोब्यू ग्लोबोस फॉर्म में एलिप्ट, इलेप्टिकल रहते हैं ठीक है और इनका आउटर सरफेस क्या होता है स्ट्राइल होता है और एक सेल थिक होता है ठीक है ये एंथ्रीडिया उसको जैकेट बोलते हैं ठीक है और ये क्या होते हैं विच सराउंड सॉलिड मॉस ऑफ फर्टाइल और इसी एंथ्रीडिया में क्या होते हैं एंथ्रोजॉइड्स होते हैं और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं ये मोटाइल होते हैं बाईफ्लजिलेट होते हैं भाई पानी में जब ये एंथ्रो आ, साइड क्या होंगे मूव हो के जाएंगे तो इन इनकी मोटिलिटी तो होनी चाहिए ना तभी तो तैर के स्विम करके जाएंगे ठीक है और उसके बाद फीमेल सेक्स में आर्चिगोनियम होता है जो फ्लास्क शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक आपको स्वेलन वेंटर मिलेगा और ये मोर स्लेंडर यानी लंबे ऐसे करके होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है ये ऊपर कवर सेल होती है ये वेंटर सेल होती है और यहाँ पे एक सिंगल एल होता है किसमें आर्चिगोनिया में तो ये एंथ्रोजॉइट यहाँ से आते हैं और फिर ये आर्चिगोनिया का जो गेमेटोफाइट प्लांट होगा जिसपे ये होंगे इस पर क्या होंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर यहाँ से स्पोरोफाइट ये बन जाएंगे यानी मान लीजिए दो थैलस हैं और ये मेल मेल वाला जो एंथ्रो एंथ्रीडिया है वो एक थैलस पे है और जो आर्चिगोनिया जो है दूसरे थैलस पे है ठीक है तो यहाँ से ये आएंगे क्योंकि मैच्योरिटी पे भी होता है कि कौन कब मैच्योर होता है ठीक है तो अगर मान लीजिए कि आ, उसी थैलस में जो आर्चिगोनिया है वो मैच्योर नहीं है तो फिर ये वहाँ पे जाएंगे दूसरे थैलस के पास आर्चिगोनिया जहाँ पर होगी जहाँ पे कि वो मैच्योर होंगे तो ठीक है इस तरह से ये इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो आप इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि गेमिटोफाइट एक क्या हो गया प्लान्ट हो गया ठीक है और इसी पे क्या होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं और इसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से इस तरह करके स्पोरोफाइट निकलते हैं ठीक है और फिर ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक नया होता है तो कभी कभी कुछ में क्या होते हैं कि ये अलग हो जाते हैं और कुछ में ये गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट साथ में काम करते हैं ज़्यादातर क्या है कि प्रायोफाइटर में क्या होते हैं कि ये एक दूसरे मतलब एक मतलब ये जो स्पोरो होते हैं स्पोरोफाइट वो गैमिटोफाइट पर बहुत बहुत निर्भर करते हैं ठीक है यहाँ पे एक आपका जो है बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है इसको अगर आप मॉसेस का देख लेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा नंबर वन स्पोर्ट डेवलप एक मिनट इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है वीडियो लंबी हो जा रही है फर्स्ट है स्पोर डेवलप इन टू थ्री थ्रेड लाइक प्रोटोनिमा है और फिर यहाँ पे देखिए बर्ड के फॉर्म में आ गया था अप्लॉय प्रोटो प्रोटोनिमेटा प्रोड्यूस बर्ड दैट डिवाइड बाय माइटोसिस से डिवाइड होगा और इस ये किस में हो रहा है गैमिटो फोर में हो रहा है ये मेल गैमिटोफाइड मान लीजिए है अब इसमें क्या होगा कि आपको ये एंथ्रीडिया दिख रहा है एंथ्रीडिया में ये देखिए ये क्या निकल गए हैं इसके स्पम्ब्स निकले हैं और ये स्पम कहाँ आ रहा है मान लीजिए एक और आ, ये फीमेल गैमेटोफाइट है मतलब यही एक क्या हो गया मेल गैमेटोफाइट बना है और एक फीमेल गैमेटोफाइट बना है अब ये जो है इसका आर्चीगोनिया का स्ट्रक्चर है जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कवर सेल होंगी ये वेंटर सेल होंगी और ये क्या होंगे एग होंगे तो बहुत सारे स्पॉम आते हैं लेकिन एग क्या होता है एग एक ही है लेकिन स्पॉम बहुत ढेर सारे हैं तो कुछ आएंगे यहाँ आएंगे और एक जो है इसके साथ में इसका फर्टिलाइजेशन होगा ठीक है और इस तरह इसके बाद से जो होता है ये न, क्या करते हैं टू एन बना लिए जाइोड बना लिए ठीक है स्पोरोफाइट ग्रोज अ लॉन्ग स्टॉक सेटा दैट इमर्जेज फ्रॉम अ आर्चीगोनिया से बन गया ये गेमिटोफाइट ही था अब इसमें से क्या है स्पोरोफाइट आपका देखिए यहाँ पे यंग स्पोरोफाइट आपका देखिए यहाँ दिख रहा है अब ये जो है स्पोरोफाइट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्पोरोफाइट किस में है देखिए इसमें सेटा है जो कि इसके बेस और कैप्सूल को जोड़ता है ठीक है और ये कैप्सूल में ही स्पोर्स होते हैं और यही स्पोर्स एन होते हैं जो कि आगे एक फिर से गैमिटोफाइट को बनाते हैं फूट सेटा कैप्सूल ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर होता है ठीक है अब ये जो स्पोर होंगे स्पोर मदर सेल जो होती हैं वो मान लीजिए टू एन है तो वो क्या होती हैं उनका मेयोसिस होगा तो वो एन बनाएंगी और ये देखिए यहाँ पे स्पोर निकल रहे हैं जो मैं यहाँ बना रही थी यहाँ पे देखिए इस तरह से स्पोर निकले ये क्या है एन एन है तो कुछ स्पोर जो होंगे मेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं अगर उस बॉडी से आए हैं तो और कुछ बना रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं इस तरह से इनकी ये एक लाइफ साइकिल है उसके बाद क्या है कि अब इनमें कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है जाइगोड बनने के बाद ये तुरंत क्या होते हैं डेवलप कर जाते हैं स्पोरोफाइट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है ठीक है आ, मतलब आ, क्या क्या कह रहा है द जाइोड डज नॉट हैव एनी रेस्टिंग पीरियड एंड इट डिवाइड्स इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये स्पोरोफाइट बनाते हैं डिवीजन हो जाता है ठीक है और इनका एक्सोस्कोपिक मोड होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का देखिए ये ही बायोफाइटा जो होते हैं और टेरिडोफाइटा और ये जिम एन यही ये, ये इम्ब्रियो बनाते हैं ठीक है थीके? एल्गा इम्ब्रियो नहीं बनाता था अच्छा अभी आप तो पढ़ेंगे ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर आपको इसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने समझाया है वही यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद है फिलामेंटस जम ट्यूब प्रोटोनिमा मैंने सब कुछ समझा दिया मैं क्या उसी चीज़ को रिपीट करूँ ठीक है उसके बाद है एफिनिटी क्या होती है ब्रायोफाइटा और एल्गा की क्या एफिनिटी होती है तो इनकी अगर एफिनिटी की बात करें क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं तो एल्गी हो चाहे ब्रायोफाइटा हो दोनों थैलाइड होते हैं दोनों की बॉडी कैसी होती है गेमिटोफिटिक प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं इन दोनों में ही रूट नहीं होता है जो जो क्लोरोफिल पिगमेंट एल्गी में होते हैं वही आपके ब्रायोफाइट्स में होते हैं इनका रिजर्व फूड भी स्टार्च होता है वेस्कुलर टिश्यू दोनों में नहीं होते हैं ना ही एल्गा में जैलम फ्लोयम होता है और ना ही ब्रायोफाइटा में होता है दोनों को फ्लैजिला चाहिए होता है मूवमेंट के लिए ठीक है उनके जो गैमेट्स होते हैं डोमिनेंट फेज जो होता है वो गैमेटोफाइड होता है दोनों में वाटर ज़रूरी होता है प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है बनता है जो कि थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है ठीक है तो ये हो गया आपका एफिनिटी क्या क्या है अच्छा अलग क्यों हुए क्या इसमें नया आ गया अलग ये आ गया कि जो एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं जबकि ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी ये पानी पे रहते हैं ये ज़मीन पे रहते हैं ये यूनीसैलर मल्टी हो सकते हैं फिलामेंटस होते हैं और सीडो पेरनकाइमेटस होते हैं जबकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो मल्टी होती है और पेरनकाइमेटस होते हैं ठीक है और इनमें राइजॉइड्स होता है ठीक है और लेटरल अपडेंजस भी आपको मिल सकते हैं और फोर्थ पॉइंट क्या है फिलामेंटस क्या होंगे अनब्रांच्ड होंगे और इनमें क्या आपको दिख रहा है ये डाइकॉटोमस टाइप के थे ना ये दो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर था फोर्थ क्या है प्लांट बॉडी जो होती है वो डिवीजन ऑफ लेवर्स शो करती यानी कि नहीं करती है में यानी एक ही सेल सब काम कर देगी एक ही सेल है ही तो एक सेल सब काम कर देगी अब यहाँ मल्टी सेल है कुछ सेल खाने का काम का का करेगी कुछ एक्सक्रेशन का काम का करेगी कुछ एब्जॉर्बशन का करेगी तो अलग अलग सेल अलग अलग काम का करेगी उसी को बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेवर्स सिक्स पॉइंट क्या है Uh, कुछ को छोड़ के इसमें राइजॉइड्स तो होता ही नहीं है जबकि ब्रायोफाइट में राइजॉइड्स होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन होते हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं एबसेंट ही होते हैं लेकिन कुछ में वेजिटेटिव मीन से होते हैं ठीक है और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एन गेमस, उ, गेमस टाइप के होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ओ गेमस टाइप का होता है और सेक्सुअल ऑर्गन इसमें यूनि होते हैं कोई कवरिंग नहीं होती है लेकिन इनके सेक्सुअल ऑर्गन मल्टी सेलर के थे आपने देखा था कि उसमें जैकेट था वन सेल एक वो लेयरिंग होती थी जैकेट कवरिंग होती थी ठीक है जो कि स्टराइल होते थे तो ये मल्टी सेवलर हैं तो इसमें कवरिंग है ये यूनिसेलर रहते हैं तो इसमें कवरिंग नहीं है एलिवेंथ पॉइंट क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ भी फीमेल सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर है लेकिन यहाँ मल्टी सेलर है वहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनिया है एलगी में तो यहाँ आर्चीगोनिया है ठीक है जाइगोड जो है वो क्या कर रहे हैं तुरंत नहीं बना रहे हैं यहाँ रेस्टिंग फेज आती है लेकिन यहाँ पे नहीं आती यहाँ इम्रियो नहीं बनता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है इम्रियो बनता है ठीक है और उसके बाद स्पोरोफाइट आल्सो कॉल्ड डिप्लॉयड इज रिप्रेजेंटेड मोस्टली बाय डिप्लॉयड जाइगोड से बनते हैं और ये क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और जबकि यहाँ पे वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट आपको दिख जाएंगे जो एडवांस मेंबर में होते हैं जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है ये आपने अभी क्या पढ़ा डिफरेंस पढ़ा ब्रायोफाइटा और उसमें अब टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बीच में क्या अंतर है तो इनके बीच में क्या अंतर है इनके बीच में यही है कि ये दोनों के दोनों लीफलेस होते हैं दोनों के दोनों रूटलेस होते हैं अगर टेरिडो के प्रिमिटिव की बात करें और ब्रायोफाइटा के जितने भी हैं तो ये लीफलेस लगभग होते हैं और रूटलेस होते हैं लेकिन एडवांस्ड टेरिडोफाइटा के लीफलेस या रूटलेस नहीं होते हैं दोनों ग्रुप के प्लांट्स आर्चिगोनिएट होते हैं उनके स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया का लगभग सेम होता है एंथ्रीडियम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइटा दोनों जो होते हैं एक जैकेट से कवरिंग होती है जो कि ऐसी सेल एस्ट्रा होती है एंथ्रोजॉइट्स इन दोनों के ही ब्रायोटेरीडो के फ्लैजिलेटेड uh, होते हैं वाटर दोनों में ही जरूरी होता है लगभग मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं और जायकोट दोनों के ही क्या बनाते हैं आपके एंब्रियो बनाते हैं और इनका स्पोरेंजिया जो होता है जैसे इनके कुछ मेंबर्स का और मॉस का ये कुछ कैप्सूल भी बनाते हैं ठीक है दोनों के जो उनके प्रीमेटिव वाले ठीक है और नहीं उनके एडवांस वाले और टेरिडो के प्रीमेटिव वाले और ये जो दोनों ही क्या होता है हेट्रोमॉर्फिक होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब दोनों में आ, क्या डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस यही है कि टेरिडो सॉरी ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो डोमिनेंट फेज उसमें मेन होता है और इसमें क्या होता है स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज़ होता है प्लांट बॉडी थैलाइड होती है लेकिन टेरिडोफाइटा में आ, रूट स्टेम और लिफ में आपको दिख जाएगा वैस्कुलर तो टिश्यू एकदम एबसेंट ही होते हैं, होते ही नहीं है वैस्कुलर टिश्यू नहीं होने की वजह से प्लांट की हाइट लंबी नहीं होती है ज़मीन के थोड़े ही पे रहते हैं क्योंकि अगर वेस्कुलर टिशू रहेगी तभी तो वो ऊपर तक जाएंगे उतना कंडक्शन हो पाएगा उनको न्यूट्रियस मिल जा पाएगा कि वो ऊपर तक जा सके इसी वजह से ब्रायोफाइटा छोटे छोटे होते हैं टेरिडोफाइटा बड़े बड़े होते हैं ठीक है उसके बाद स्पोरोफाइट जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किस में इसमें गैमिटोफाइटम ब्रायो में जबकि इसमें क्या होता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं और इनडिपेंडेंट होते हैं टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट स्पोरो क्या होते, है? होते हैं वो खुद पे निर्भर होते हैं वो गैमिटोफाइट पे निर्भर नहीं करते हैं ठीक है और इस तरह से आपने ये चीज़ देख लिया इसका स्क्रीन कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा यही चीज़ मैंने जो अभी बताई है वही चीज़ इस भी स्लाइड में दिया हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके एक इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मैं बता दूं इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है ब्रायोफाइटा के कि ब्रायोफाइटा क्या होता है चूंकि मैट लाइक -like स्ट्रक्चर होता है इसीलिए क्या करता है कि ये सोइल इरोजन को सॉइल को बचाता है बहने से ठीक है कोई भी ज़मीन है मान लीजिए जब यहाँ पे कोई प्लांट ऐसे ऐसे करके होंगे तो यहाँ की मिट्टी क्या होगी नहीं निकल पाएगी ना तो सॉइल इरोजन बहने से बचाता है और लाइकेन के साथ में जब ब्रायोफाइटा रहते हैं तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि शुरू शुरू में क्या था रॉक था फिर बहुत चटक सी धूप आई फिर मान लीजिए एक और रॉक का टुकड़ा है एक ये रॉक का टुकड़ा है कि ये रॉक का टुकड़ा है शुरू शुरू की बात कर रहे हैं बहुत पहले का जो क्लाइमेट था अब धूप ऐसे ऐसे लग रही है लग रही है लेकिन मान लीजिए इससे थोड़ी सी छाँव आई छाँव की वजह से यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा सा मॉइस्चर आया तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया कि एल्गी वेलगी आए लाइकेन आए ठीक है तो इनको ऐसा बनाए कि यहाँ पे नमी आई धूप भी मिली ठीक है हवा भी हुआ और फिर इसकी वजह से ब्रायोफाइटा भी आए तो धीरे धीरे ये ये जो रॉक था ये रॉक किस में बदल गया ये रॉक धीरे धीरे जो है बदल गया आपका सॉयल का फॉर्मेशन हो गया ठीक है तो ये सॉयल के फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है तो पहला एक सॉइल के इरोजन में और दूसरा सॉइल के सॉइल इरोजन को बता बचाता है ठीक है उसको नहीं बहने देता और सॉइल के फॉर्मेशन बचाता है और एक आपने पढ़ा होगा मॉसेस में क्या होता है पीट मॉस जैसे हम लोग पढ़ते हैं और ये बॉग मॉस तो ये जो पीट मॉस थे ना ये शुरू शुरू में क्या थे कि ये ये ऐसे थे कि इन्वायरमेंट का जो सी ओ टू होता था ना ये प्लांट अपने में ले लेते थे, थे लेकिन इनके पास कुछ फिनॉलिक कंपाउंड हुआ करते थे जो कि इनको जल्दी ख़राब नहीं होने देते थे, थे तो काफ़ी लंबे टाइम से रहते थे तो और इसमें वाटर की एब्जॉर्ब एबजॉपन की कैपेसिटी बहुत होती है तो अब ये लोग क्या करते हैं कि इसी को पीट मॉस को लेके लोग जला देते हैं तो इससे क्या होता है कि फिर से बेचारे जो ये सी ओ टू बचा के रखे थे अपने आप फिर से अब यही विडम्बना देखिए फिर से इन्हीं को जलाने की वजह से co2 टू बाहर आता है मतलब हम मानव भी एक की हरकतें तो देखिए मतलब प्रकृति हमेशा हमें बचाने की कोशिश करती है लेकिन हम क्या करते हैं हमेशा ही गंदगी फैलाते हैं हम ये नहीं सोचते हैं कि जितना हो सके हम प्रकृति को का संरक्षण करें ठीक है तो ये जो पीट मॉस होते हैं ये ड्राइड होते हैं इनका बहुत यूज़ भी होता है ठीक है मैट लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं आ, मतलब थोड़े स्पॉन्जी टाइप होते हैं तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई मतलब सीडलिंग कोई ग्रोथ हो रही हो किसी पॉट की उसको आसपास रख के इस तरह से ये जाता है तो पीट मॉस जो है ऐसे में पैकेज मटेरियल पैकेजिंग में बहुत मदद करते हैं वाटर रिटेंशन में करते हैं ठीक है और उसके बाद मेडिसिनल यूज़ में अगर देखें तो इस वैगनम आई की डिजीज में यूज़ होता है मर्केंशिया ट्यूबरक्लोसिस में होता है तो ये जो था ये पूरा का पूरा हमारा ब्रायोफाइटा के बारे में था लास्ट मैंने इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस औरली बता दिया लिखा नहीं है तो ये बहुत ही दो वीडियो थी आप पहले वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बहुत बड़ा है इसको समझाना मतलब बहुत ये टाइम लेगा तो मैंने जो आज बताया आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया है और अगर अगर आगे वीडियो कभी मैं बनाऊँगी ब्रायोफाइटा के मेंबर्स के बीच का कंपैरिजन भी बताऊंगी तो आपको पहले तो यही पढ़ना था कि होता क्या है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइटा का क्या होता है ठीक है इस तरह पहले टेरिडो जिम्नो एन इस तरह का मैं बनाऊँगी उसके बाद उनके मेम्बर्स की भी स्टडी करूँगी तो इस तरह की कंपेरिटिव स्टडी जो होती है इन सारे फाइलम्स के बीच का आपको पूछेगा इसीलिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल्दी पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गया और ये देखिए ये मैं मुस्कुराती हुई और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थैंक्स तो बोल ही रही हूँ कि आपने हम मेरी पूरी वीडियो को सुना और मेरे चैनल को प्रीत बायोलॉजी को अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो करें जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें और और लोग को भी कहें तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अब यहाँ पे अपने वीडियो को बंद करती हूँ ठीक है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहिए मस्त रहिए खाते पीते रहिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद